इस्लाम के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम हमारे बारह है। तुम्हारी और देश तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। एक बार फिर से इस्लाम और कुरान की आयतों का गलत तरीके से ट्रांसलेट करके ये दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं की जाती है और उन्हें गुलाम समझा जाता है। सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है और ये गलत है। हमारा इस्लाम तो इस बात का तालीम देता है कि हमें अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि तुम में से सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों का ये काम है कि जब उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलता है, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, तो उन्हें सीधा मुसलमान और इस्लाम दिख जाता है। इसके खिलाफ ये झूठी मूवीज, झूठी प्रोपेगेंडा मूवीज बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि इसके ट्रेलर आने के बाद हमारे मुसलमान भाइयों ने यूट्यूब पे जाके इसके ट्रेलर पे रिपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से इसका ट्रेलर जो है हट चुका है, डिलीट हो चुका है। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं जिम्मेदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान सिनेमाघर तक ना पहुँच सके और इस मूवी को टोटली बॉयकॉट किया जाए और इस मूवी को इस तरीके से बॉयकॉट करें ताकि ये मूवी एक एक रुपये की मोहताज हो सके, इसके प्रोड्यूसर जो है रोड पर आ जाए और ये मूवी टोटली फ्लॉप हो सके। जज़ाकअल्लाहु खैर, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिम्मेदारी के साथ।